कुशीनगर जिले में दुदई रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह मानव रहित क्रॉसिंग पर स्कूली बच्चों से भरी वैन पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई जबकि 8 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा 3 परिवारों ने अपने घर के 2-2 बच्चों को इस हादसे में खो दिया है। दुदई क्षेत्र के मिश्रौली गांव के दलित ग्राम प्रधान अमरजीत प्रसाद के 2 बेटे और 1 बेटी की इस घटना में मौत हो गई। अमरजीत प्रसाद के 3 बच्चे 12 वर्षीय रवि, 10 वर्षीय संतोष और 7 वर्षीय रागिनी डिवाइन मिशन स्कूल में पढ़ते थे। तीनों बच्चे एक साथ स्कूली वैन में सवार हुए थे। मेहरवा गांव के 4 बच्चों की इस घटना में मौत हुई है। इसमें से मिराज और मुस्कान एक ही परिवार के थे। बतरौली गांव निवासी हसन के 2 बेटियाँ साजिदा और तमन्ना की भी इस हादसे में मौत हो गई। हादसे में घायल बच्चों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने घटना स्थल और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का जायजा लिया और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं रेलवे की तरफ से भी मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की बात कही गई है। बच्चे डिवाइन पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। वैन सिवान से गोरखपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन से टकराई। वैन में 10 साल की उम्र तक के करीब 20 बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। हादसा सुबह लगभग 7:15 बजे बिशनपुरा थाना क्षेत्र के दुदई रेलवे स्टेशन के पास मानव रहित क्रॉसिंग पर हुआ था। क्रॉसिंग संख्या 45 पर क्रॉसिंग मित्र तैनात था जिसने वैन ड्राइवर को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं रुका और क्रॉसिंग पार करने की कोशिश की। इस दौरान वैन बीच पटरी पर अचानक पहुंचकर बंद हो गई और यह हादसा हो गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि घटना की पूरी जांच की जिम्मेदारी मंडलायुक्त अनिल कुमार को सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि घटना काफी दुखद है, दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। आपको बताते चलें कि हादसे से संबंधित विद्यालय का मैनेजर इस त्रासदी के बाद विद्यालय से प्रिंसिपल के साथ पहले तो फरार हो गया लेकिन पुलिसिया दबाव के बाद दोनों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। डब ब्लीडिंग हो गई भाई, इससे सब के जान चल रही है। देखे वाला नहीं क्या, ताल में मत देखा जाए। ए क्या लोग क्या देखा तेरा जा डब ब्लीडिंग हो गई भाई, इससे सब के जान चल रही है। देखे वाला नहीं क्या, ताल में मत देखा जाए। ए क्या लोग क्या देखा तेरा जा उसको जाने को पहचान लेना। ये
ये दुखद घटना है और दुखद घटना के समय शोक संत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ अच्छा होगा आप सब एक बार थोड़ा रास्ता दे दें, अच्छा होगा। यहाँ पर हम लोग मौके का एक बार मुआयना करके देख लेते हैं। श्रीनगर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी और घटनास्थल से भी देखने के बाद यहाँ पर आया हूँ बिहारी मेडिकल कॉलेज में। आईडी लगाओ। चुप यार। अरे तो 17 बच्चे और एक ड्राइवर उस वैन में थे। 13 बच्चों की दुखद मौत हुई है। 4 बच्चे और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ बिहारी मेडिकल कॉलेज में उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया है। उन्हें सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैंने दोनों स्थानों का इससे पहले घटनास्थल का भी और पडरौना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी भ्रमण करके वहाँ पर इन सब बातों का निरीक्षण किया है। वहाँ के जिला प्रशासन को और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी पीड़ितों को हर संभव सहायता और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें तत्काल स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और वो व्यवस्था हो रही है, उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ स्वयं आया हूँ। गोरखपुर के कमिश्नर को इस पूरी दुर्घटना की जांच करके और शाम तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वे घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। दुर्घटना मुख्य रूप से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुई है। वहां पर स्कूली वैन एक पैसेंजर ट्रेन से टकराने के बाद ये दुखद घटना घटित हुई है। मैंने रेल मंत्री से इस संबंध में बातचीत की है। जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है उन्हें मानव युक्त करने के बारे में उनसे अपील की है। रेलवे मंत्रालय ने भी अपनी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति व्यक्त की है जिनके बच्चे इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। हमने प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिजनों में प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपए की सहायता दी है और रेलवे मंत्रालय ने भी मृतक के परिजनों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायल जो भी यहां पर है उन सबको 1-1 लाख रुपए की सहायता की है। सायंकाल तक रिपोर्ट आने पर जो भी इसके मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई प्रदेश सरकार भी करेगी और मैं रेल मंत्रालय से भी इस बारे में
ड्राइवर नाबालिग था। हाँ, जो भी है इन सब की जांच हो रही है। हाँ, ईयरफोन लगाने की बात सामने आई है, क्षमता से अधिक बच्चे वैन में भरने की बात आई है, और भी बहुत सारी चीजें सामने आई है। जो भी चीजें सामने आएंगी कमिश्नर शाम तक अपनी रिपोर्ट देंगे और कठोरतम कार्रवाई होगी, क्योंकि सड़क सुरक्षा के साथ साथ यातायात के बारे में कई बार इस बारे में प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को भी और सभी संबंधित परिवहन विभाग को, सभी लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी स्थिति में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए। जो भी इस मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी कठोरतम कार्रवाई करने में हम लोग हिचकिचाते हैं। महाराज, घटनास्थल पर गए तो क्या क्या सामने आया? देखा है। चलो बीच में निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है और वो उस स्थान पर भी गए थे जहाँ दुर्घटना हुई थी। तो जितना प्रयास हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है। उन्होंने भी राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिया है, रेलवे मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से रेलवे मंत्रालय ने भी दिया है, और हर प्रकार की चिकित्सा की सुविधा यहाँ।